मैं डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में राजवीर राज है, जैसे अभी इनका सुपर हाउस में सिलेक्शन हुआ है और उनके पास ऑफर लेटर अभी शायद अभी कब आ गया, ऑफर लेटर अपॉइंटमेंट का आ गया है, इन्होंने रिजाइन भी अपनी प्रीवियस कंपनी में लिया है। ये अपने बारे में बताएंगे पूरा। मैं सिर्फ आपसे दो तीन पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि कुछ कैंडिडेट के साथ में खासियत होती है, कुछ कैंडिडेट जॉब एंड ड्राइव को बहुत अच्छा देखते हैं, कुछ कैंडिडेट माईसूट जॉब डॉट कॉम को देखते हैं, कुछ कैंडिडेट जहाँ उनके इंटरव्यूज हुए उनके स्टेटस को पता करके फॉलो करके अपनी चीज़ों को जानना फिर मिलना फिर अपनी बात। मेरे मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम में राजवीर उनसे मिला होगा और बहुत कम टाइम में शायद ये पॉसिबिलिटीज़ बन गई कि इसमें बहुत जल्दी जल्दी से सब कुछ होता चला गया। उसके पीछे दो चीज़ें हैं, तो कैंडिडेट जिसको जॉब बेसिकली चाहिए होता है उसके लिए जिसको जॉब चाहिए वो बेसिकली खुद ड्रिवन कितना है उसको चेंज करने के लिए, अपनी प्रोफाइल को चेंज करने के लिए कितना ड्रिवन है, ये इसका एग्जांपल है। उसका तरीका क्या है, उन्होंने अपने फॉलोअप से इस बात को बेसिकली देखा। और दूसरी बात मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरा प्रीवियस का अकाउंट था कॉलेज का, इंटरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप जो कॉलेज हमारा था उसका जब मैं मेंटर था तब मैंने लिंक्डइन को सब किया था, और थोड़े दिन पहले जब मैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में जॉब एंड ड्राइव को एक कॉमन प्लेटफॉर्म में एक ही नाम से ला रहा था तो ये हुआ कि आप अपना ये मैं जॉब एंड ड्राइव और अपना प्रोफाइल लिंक्डइन को भी जरा अपडेट कर दूँ, बहुत दिन से नहीं देखा है, ध्यान नहीं दिया है क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहीं चला जाता है, तो उसको मैंने अपडेट किया था। और जब लोगों के मेरे पास सजेशन आ रहे थे तो लोग मुझसे इस बात को बोल रहे थे कि इसमें जो कैंडिडेट हैं वो एक एलाइट ग्रुप के हैं, बहुत पैकेजेस बहुत करते हैं और बहुत मेट्रोस के लोग हैं, बहुत ए प्लस कैटेगरी के लोग हैं। मुझे ऐसा लगा कि जो मैं हूँ मैं उसको उसमें वही डालता हूँ, वही जो मैं करता हूँ मैं उसके लिए अलग से कुछ अपने आप को चेंज नहीं कर सकता अपने एग्जिस्टेंस को, तो ये उन्होंने देखा और उसके बाद में लिया है। तो मैं चाहूँगा कि राजवीर तुम अपने पूरे एक्सपीरियंस को कैंडिडेट के साथ शेयर करो, तुम्हें क्या यहाँ पे फ़ायदा मिला, क्या तुम्हें हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई जर्नी, जिससे कैंडिडेट्स को भी बेनिफिट मिले और उनको रियल एक फीडबैक जाए जिससे वो कंसल्टेंसी वर्सेस एक जो सोसाइटी का जो डिफरेंस है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे वो तो फीस ही लेनी है अब क्या करूँ ऐसा करता। प्लीज शेयर करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, सो माय नेम इज राजवीर सिंह बरिया। रिसेंट डेज में मेरा अभी प्लेसमेंट मतलब ऑफर लेटर आया हुआ सुपर हाउस ग्रुप से। सो बेसिकली आई यूज्ड टू वर्क इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ एंड अर्लियर आई वाज इनटू आईसीआईसी बैंक एज अ पीपीएनआरआई। तो थोड़ा ना डेढ़ दो साल से थोड़ा लैग कर रहा था मैं कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए मैं किस कंपनी में प्रेफर करूँ। तो आई बिलोंग फ्रॉम कानपुर, माई स्टडीज इज फ्रॉम जी एल बजाज ग्रेटर नोएडा ओनली। तो एक ये भी था कि कुएं का मेंढक बन के रहना है बट अच्छे से रहना है यहाँ पे। तो कानपुर में इन टर्म्स ऑफ जॉब्स गुड पैकेज एज वेल, तो वो थोड़ा कानपुर में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे सेल्स पार्ट को हटा के, बिकॉज बैंक में इट वॉज इन टू सेल्स, हॉस्पिटैलिटी में भी आई वॉज इन टू सेल्स, देन ट्रांसफर हुआ मेरा, तो वो चीज़ें अलग की हैं। तो लिंक्डइन पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, तो बाई चांस था कि मैं लिंक्डइन सर्च कर रहा था उस टाइम पे स्विच करने के लिए, तो सर का मुझे दिखा माईसोर जॉब्स का, तो सर से कांटेक्ट किया मैंने। तो बेसिकली आई डोंट बिलीव इन कंसल्टेंसी, तो मेरा वो विश्वास उस पर था नहीं, बट जो मेरी फर्स्ट मीटिंग थी सर के साथ तो सर ने जो मुझे गाइडेंस दिया, मुझे समझाया कि पहले तो आप अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ तो बजे कि आप कहाँ पे बिलीव करते हो वर्क करने के लिए, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो सर को मैंने थोड़ा बताया कि सर आई यूज टू प्रेफर इन मोर ओवर इन ऑपरेशंस नॉट इन सेल्स, तो सर ने तो फिर मुझे उस हिसाब से गाइड किया, और एल्स प्रेजेंट टाइम पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से भी अच्छे ऑफर्स थे सर के थ्रू कानपुर में ही। तो सर ने खुद ही मुझे बताया कि आप थोड़ा इंडस्ट्री स्विच करके देखो और जो आपकी स्ट्रेंथ है ऑपरेशंस पार्ट या फिर मार्केटिंग पार्ट उस पर आप ज़्यादा बिलीव करो। तो काफ़ी इंटरव्यूज दिए विद इन 15 डेज, नॉट मोर देन 15 डेज, ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा। तो सुपर हाउस में हुआ सर, लोहिया वगैरह में भी इंटरव्यूज दिए, वहाँ पे भी गया मैं थोड़ा। तो सुपर हाउस की जो मुझे प्रोफाइल लगी इनटू मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो प्रोफाइल मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड जो वर्किंग कल्चर है वहाँ का सर के थ्रू भी पता चला। जो बेस्ट पार्ट यहाँ पे रहता है कि आप इंटरव्यू देने से पहले सर यूज टू प्रोवाइड यू पर्टिकुलर गाइडेंस कि आपको वहाँ पे इंटरव्यू कैसे देना होता है, वेर इन सर पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बंदे से हम लोग को कॉन्टेक्ट कराते हैं, तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते हैं लोग उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू इंटरव्यू। तो इंटरव्यू कैसे फ्रेज करना, कैसे फ्रेम करना है वो काफ़ी अच्छे से पता चला यहाँ पे, एंड हाउ यू कैन सिक्योर इंडस्ट्री। सो थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड आई विल से कि ईच एंड एवरी वन की आप जॉब हंट ड्राइव देखिए, उसमें जो सैटरडे सैटरडे अपनी रहती है, और माईसोर जॉब्स
com को आप बिल्कुल फॉलो करिए रेगुलर डेज पे, उसपे आपके डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के आपकी जॉब्स आती रहती है। सो इन दी एंड व्हाट आई विल से इज, जो मुझे यहाँ पे लर्निंग मिली है कि लाइक सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल यू ऑलवेज टू बी अराउंड, डोंट लुक बैकवर्ड फॉर सो लॉन्ग एंड बी अल्टीमेटली ओके व्हाट यू कांट डू बिकॉज देयर इज सो मच व्हाट यू कैन डू एंड अदर्स कैन नॉट। सो दैट्स इट सर। देखिए एक बात बहुत सोचने की है कि अभी एज ग्रुप अभी इसने मुझे बताई राजवीर ने कि इज इनटू 22 ईयर है 22 ना 23 तो नाउ इन 23 इफ यू आर गेटिंग गुड पैकेज गुड कंपनी इवन यहां से आपको एक स्टार्टअप मिल जाता है और अगर आप इससे आप आगे देखते रहेंगे तो आप बढ़ते ही चले जाएंगे और शायद इनको एक्सपोजर बड़ा एक्सपोजर कहलाएगा मेरे ख्याल से और बड़ी चीज़ का और आप लोगों के लिए सीखने के लिए है खासतौर से जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है मैं उनकी जिम्मेदारी खुद ले लेता हूँ कि उनको अच्छे पैकेज में लाने की हमेशा के लिए वो बहुत ही अच्छा एक पार्ट रहता है। तो मैं सब आपको एडवाइस करूँगा कि आप एक बार कहीं ना कहीं इस वीडियो को जरूर देखिए समझिए कि आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो पैकेजेस बात नहीं है कानपुर में और बहुत कम टाइम में और लगातार ये फॉलोअप करते भी रहे। तो थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ट्राई mysourcejob.com इंस्पायर भी होइए लोगों को भी इंस्पायर करिए और आप खुद एक फॉलोअप करके ये लाए हैं लगातार पूछ पूछ करके सर मेरा यहाँ क्या हुआ ये हुआ इस चीज को भी सीखिए जॉब एंड ट्राई के साथ में। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई वांटेड टू कन्वे टू यू। थैंक यू।